पिंक नहीं होता, पापा की परी वाला पिंक नहीं होता है इसके अंदर, रेड और ब्लू ही होते हैं, क्लियर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनोसाइंस में, और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज की क्लास में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, आज आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है ये हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है। पहले दो लेक्चर में हमने कवर करा है कि एसिड होते क्या हैं, एसिड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और पीएच वैल्यू क्या होता है, उसको फाइंड कैसे करते हैं, पीएच स्केल क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा है लेक्चर, आई बटन में लिंक दे दिया है, आप उस पर देख सकते हो। और आज की क्लास में हम बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब बेस होता क्या है पहली बात, दूसरी बात कि बेस के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और उसके यूजेस वगैरह क्या हैं, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। और गाइज, आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक आप लोगों के लिए है कि अब नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं लाइव आने वाला हूं आप लोगों के लिए लाइव का अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो सेटअप तैयार हो रहा है, तो उसके बाद हम लाइव आएंगे और लाइव क्लासेस हम दिन के एक घंटे या दो घंटे जो भी होगा, जितना हो सकता है उतना हम करेंगे, ठीक है। और मेरा यकीन करो कि ये जो है आप लोग को जो पेड कोर्सेज खरीदते हो, ये आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। यहाँ पे साथ में पीडीएफ नोट, हैंड रिटन नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको, साथ में जो आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा उसका भी ये सब आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का मैंने ग्रुप बना रखा है, तो आप लोगों को बस उसको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो और साथ में आप लोगों से एक विनती ये रहेगी कि अभी कुछ पता नहीं है कि लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सेटअप होने में कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग टाइम से क्लास में पहुंच सको। तो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि बेस क्या होता है, ठीक है, बेस और एल्कलाई, ठीक है, बेस और बेस बोलो या फिर एल्कलाई बोलो, ठीक है। एल्कलाई वो होता है कि जो बेस को पानी में आप मिलाओगे और पानी में वो डिजॉल्व हो जाए, मतलब पानी में वो डिल्यूट हो जाए, तो उस वाले बेस को हम एल्कलाई बोलते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि बेस होता क्या है। तो पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे वहां पे था कि एसिड होता है, एसिड हो गया जैसे HCl, सपोज करो ये रहा HCl, तो इसको जब आप पानी के अंदर डाइल्यूट करोगे, मतलब पानी में जब मिलाओगे, तो ये क्या होता है, ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज का मतलब है कि ये टूट जाते हैं, ऐसे H प्लस और Cl माइनस के अंदर टूट जाते हैं, क्लियर है। तो जो इसके अंदर देख सकते हो आप कि एसिड के अंदर क्या होता है, एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन होती है, क्लियर है। इसी तरीके से बेस के अंदर जो है, जैसे कि सपोज करो ये है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डाइल्यूट करोगे तो क्या होता है, ये भी आयनाइज हो जाता है, ये भी टूट जाता है, कैसे, ये टूटता है Na प्लस और OH माइनस। तो बेसिस का ये करैक्टर है कि जो भी बेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब भी आप उसको पानी के अंदर डिजॉल्व करोगे, पानी के अंदर डाइल्यूट करोगे, तो क्या होता है, OH माइनस आयन जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये OH माइनस आयन जो है, ये वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। हर एक बेस के अंदर OH माइनस आयन कॉमन होता है, और H प्लस आयन जो है ये हर एक एसिड के अंदर कॉमन होता है। तो अब द क्वेश्चन इज कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड जिसके अंदर ज्यादा H प्लस आयन होगा, ये H प्लस आयन जिसके अंदर ज्यादा होगा H प्लस आयन, वो कैसे होंगे, ये होते हैं आपके एसिड्स, कौन से एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी, ठीक है, H प्लस का कंसेंट्रेशन कम होगा, वो क्या होता है, ये होते हैं वीक एसिड। अब देखो, इसी से आप कंपेयर करो अपना बेस का भी, जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर कंपेयर करो, ये है आप लोग का, देखो बेस के अंदर क्या होता है, OH माइनस की ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो, जिसके अंदर OH माइनस आयन ज्यादा, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर है। और जिसके अंदर OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन जो है कम होगा, वो क्या होते हैं, वो होते हैं वीक बेस, क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में पढ़ने वाले, कि बेसिस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसका बिहेवियर कैसा होता है मेटल्स वगैरह के साथ, सॉल्ट्स वगैरह के साथ, क्या उसके बिहेवियर होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बेसिस है बिटर टेस्ट, बेसिस खाने में, खाने खा के तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन बेस का जो वो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। बिटर कहने का मतलब जैसे साबुन हो गया, साबुन भी जो है वो क्या होता है, वो भी बेस होता है और उसका भी स्वाद कुछ कड़वा कड़वा सा ही होता है, क्लियर है। तो बेसिस है बिटर टेस्ट, ये तो इजी है, ये सब तो नॉर्मल सा याद करने वाला है, ये तो याद हो जाएगा आप लोगों को। दूसरा है कि बेस फील सोपी टू टच, जब बेस को आप यदि टच करोगे ना तो वो जो है आप लोगों को सोपी साबुन की तरह ऐसे फिसलन फिसलन सा ऐसे मतलब फील होगा। तो बेस का पहला प्रॉपर्टी हो गया कि बेस का बिटर टेस्ट होता है। दूसरा हो गया कि बेस जो है उस छूने में जो है स्लिपरी होता है, साबुन की तरह होता है। आगे हम देखते हैं, देखो बेसिस क्या करते हैं, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब ये मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर रखा है लिटमस का, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो लिटमस होते हैं, लिटमस पेपर एक पेपर होता है, ठीक है, इस ये दो कलर में आते हैं, ठीक है, एक रेड होता है और दूसरा होता है ब्लू, ठीक है, पिंक नहीं होता, पापा की परी वाला पिंक नहीं होता है इसके अंदर, रेड और ब्लू ही होते हैं, क्लियर है। तो देखो एसिड के अंदर हमने देखा था कोई भी सॉल्यूशन है एसिड का, उसके अंदर यदि आप ब्लू कलर वाला जो लिटमस पेपर इसको डिप करते हो तो क्या होता है, ब्लू कलर को क्या कर देता है, ब्लू को जो है रेड कर देता है, ब्लू कलर का जो पेपर होता है लिटमस पेपर उसको ये लाल कर देता है। तो समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये है एसिड, ठीक है। जो कोई भी ऐसा काम करता हो ब्लू को रेड कर दे उसको बोलते हैं एसिड। और सिमिलरली इसके अंदर जो रेड वाला आप डालोगे, एक सब्सटेंस लोगे, सब्सटेंस मतलब हमें पता नहीं है कि कौन सा सब्सटेंस है, सपोज करो कि यहाँ पे ये ही दे रखा है हमने, ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, रेड कलर का लिटमस पेपर डिप करा, ठीक है, रेड कलर का लिटमस पेपर हमने क्या किया, डिप करा, और इसने यदि इसको ब्लू कलर का कर दिया तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, ये हमारा बेस है, ठीक है, इसने यदि ब्लू कर दिया तो क्या हो गया हमारा, ये बेस होगा, क्लियर है। तो बेस का ये प्रॉपर्टी होता है। तीसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू कर देता है। पॉइंट है हमारा कि बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। अब आप लोग एसिड के अंदर भी मैंने बता रखा है कि क्या करते हैं, जैसे ये है, देखो ये है एक इलेक्ट्रोड, मतलब एक प्लस का चार्ज, एक तार ऐसे लगी होती है कनेक्शन से, ठीक है, इसमें ये हो गया प्लस और एक तार हो गया माइनस वाला, ठीक है, ये रहता है इसके अंदर, ये एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको प्लस वाले को बोलते हैं कैथोड और माइनस वाले को बोलते हैं हम एनोड, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर जैसे NaOH को डालोगे आप, मतलब NaOH को डिल्यूट करके पानी के फॉर्म में, ठीक है, मतलब पानी में मिला के आप इसको डालोगे तो क्या होता है, जब और आपको पता है कि जैसे ही पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, ये आयोनाइज हो जाता है Na प्लस और OH माइनस के अंदर। तो अब देखो जैसे ही सॉल्यूशन के मतलब पानी मिलाया आपने, क्या हो गया, ये सारे के सारे हो गए डाइल्यूट हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, बहुत सारी संख्या में मौजूद होंगे इसके अंदर, क्लियर है। अब क्या करोगे, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, जैसे ही आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो है, जो प्लस वाला जो है, ये क्या हो जाता है, ये माइनस वाले की तरफ भागना स्टार्ट कर देता, मतलब एनोड की तरफ, और जो ये माइनस वाला है ये प्लस वाले की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ चिपकना स्टार्ट कर देता। तो इससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो बना रहता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो जाता है, तो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, कि जब बेस जो है, कोई सा भी बेस क्या होता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, किसके साथ, मेटल्स के साथ, तो ये क्या बनाता है, मेटल का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, उसी की तरह है एसिड में, जिसका एसिड क्लियर होगा, ठीक है, जिसने एसिड को अच्छे तरीके से उसको याद कर लिया होगा, उसको बेसिस में कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इसका जो प्रॉपर्टीज है ना, सारे के सारे मैच करते हैं आपस में। तो लिंक दे दिया है मैंने यहाँ पे, आप लोग देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, ये जब बेस NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा होता है, ये है बेस, और जिंक पता ही है ये तो मेटल है, तो जिंक जब मतलब बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है, जो कि एक सॉल्ट है, मेटल का सॉल्ट है, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, और साथ में प्रोडक्शन करता है किसका, हाइड्रोजन गैस का, ये गैस होता है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है एसिड के अंदर में भी यही होता था कि जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन का निर्माण करता था।
और यहाँ भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है कि जब बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बना रहा है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ वाला, ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखो, ये भी कुछ मिला मिला सा नहीं लग रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है जब न्यूट्रलाइज, अब देखो कई बार कलाकार ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। तो देखो ये होता क्या है, जब एसिड जो है किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है? तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, पता ही है आप लोगों को, जैसा कि एसिड के अंदर में भी वही होता था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, या फिर बोलो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो जिसको एसिड क्लियर होगा ना, उसका बेस काफ़ी तरीके, मतलब बेस में कोई कुछ है ही नहीं। फिर देखो यहाँ पे ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही बेस हो गया, ये हो गया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड हो गया ये। अब ये जब मिलते हैं तो क्या बनाता है, फलाना चीज़ बनाता है, ये एक सॉल्ट है मेटल का, ठीक है, मेटल सॉल्ट है, और साथ में वाटर को रिलीज करता है। क्लियर है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप फिगर के अंदर, ये एसिड है, ये बेस है, जैसे इसको मिलाया तो ये जो मिक्सचर जो है, ये जो मिक्सचर जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये किसका, सॉल्ट का और वाटर का बन रहा है। क्लियर है? तो न्यूट्रल, इसको इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट और हमारा आखिरी पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, क्या है, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि ZnO, मेटल क्या है, ZN जिंक मेटल है और ऑक्सीजन ZnO, तो मेटल ऑक्साइड जो है वो किस नेचर के होते हैं, ये होते हैं बेसिक नेचर के, ठीक है, और ये है नन मेटल। अब सपोज करो नन मेटल ऑक्साइड, ये होते हैं एसिडिक नेचर के। एग्जांपल देता हूं मैं, ये कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे देखो एग्जांपल में यहां पे देखो, ये है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो है बेस अपना, क्लियर है। साथ में देखो ये है कार्बन, कार्बन होता है नन मेटल, और ये है ऑक्साइड, नन मेटल ऑक्साइड, कैसे नेचर के, एसिडिक, तो यहां पे दे दो एसिड। तो ये क्या बनाते हैं, पता ही है, जब व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे देखो ये भी सेम टू सेम आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही हो गया, क्लियर है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।